नमस्ते, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आज एक बहुत अजीब सा कमेंट मेरे पास आया और मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से उनको उत्तर देना ठीक रहेगा। तो उन्होंने लिखा है, नितेश कुमार सिंह है, प्रणाम माता जी, मैम शादी नहीं हो, इसके लिए शास्त्र में क्या उपाय है? देखिए भैया, शास्त्र में शादी होने का तो उपाय है, नहीं होने का कोई उपाय नहीं है। आज तक कम से कम मैंने तो नहीं पढ़ा। और शादी करना क्योंकि एक बहुत ज़रूरी अंग है हमारे जीवन का, और हम अपने माता पिता के, पितरों के, अपने कुल के ऋण से उऋण तभी होते हैं जब हम विवाह कर लेते हैं। और उन्होंने बोला है कि पहले मैं सुंदर पत्नी पाने के लिए उपाय करता था, पर अब फुल लाइफ सिंगल रहना है, शादी के नाम से नफरत होती है। देखिए, जब आप ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए, भले ही कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो और कोई घटना हो, कुछ भी हमारे जीवन में जब नेगेटिव गुजरता है तो हम उसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ले लेते हैं, हम परिस्थिति का आकलन नहीं करते हैं और नेगेटिव वे में लेके सदा के लिए गांठ बांध लेते हैं। जब हम बोलते हैं ना कि हमें उस चीज़ से नफरत है, हमें ऐसे नफरत है, हमें ऐसे नफरत है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ब्लॉक बनना शुरू हो जाता है और उसको रिमूव करना, ब्लॉक को, बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब तक हम अपने आप से उस नफरत को नहीं मिटा देंगे या उस गांठ को नहीं खोल देंगे, तब तक हमारा आगे बढ़ना जीवन में नामुमकिन हो जाता है। तो आपने जब शादी की ही नहीं तो आप उस चीज़ से नफरत कैसे कर सकते हैं? यह है हमारे शास्त्रों में एक बहुत बड़ा दोष है, कुंवारा मरना। तो ठीक है, इसको बार बार समझिएगा और शास्त्रों में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि शादी के नाम से नफरत होती है, लाख कोशिश के बाद घर वाले शादी करा ही ना पाए, इसका उपाय चाहिए। अरे देखिए, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लॉक करना चाह रहे हैं, ब्लॉक करने जा रहे हैं। अभी से अगर आप संभल जाते हैं तो आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर आप नहीं संभलते और ऐसा सोचते हैं तो आई एम सॉरी, ऐसा कोई उपाय नहीं है और आप आगे परेशान हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। गलत सुझाव मांगने के लिए आपसे और बाकी सब्सक्राइबर्स जी मेरा कमेंट पढ़ेंगे उन सबसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ। नहीं, तुमने ठीक किया, तुमने कमेंट किया और मैं तुम्हें समझा रही हूँ। इसमें अच्छा या बुरा जैसा कुछ भी नहीं होता है। बुरा होता है कि जब हम एक धारणा बना लेते हैं और उसी पर कायम रहते हैं। देखिए, शादी ना करके और सिंगल रह के तुम कौन सी तकलीफ में जाने वाले हो? प्रैक्टिकली पहले उन लोगों से मिल लो जिन्होंने नहीं की थी शादी, उन लोगों के हाल देख लो और उसके बाद ये फैसला करना। बाकी शास्त्र पढ़ो, शास्त्र इस विषय में क्या कहता है कि शादी क्यों ज़रूरी है। थैंक यू।